खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। आज मैं बनाने वाली हूँ ग्रो बैग, और मैं ये बनाने वाली हूँ सीमेंट के बोरे से। क्योंकि जब हम गार्डनिंग करते हैं तो बहुत सारे पॉट्स की ज़रूरत होती है, और बाहर जाकर पॉट्स हम अगर ख़रीद नहीं पाते हैं या फिर पॉट्स ख़रीदने में ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम ग्रो बैग कैसे बनाएं, किस तरह से पॉट तैयार करें, और हमें उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत होती है एक हल्के से ग्रो बैग की या फिर पॉट की, जब हम छत के ऊपर सब्ज़ियाँ उगा रहे हों या फिर दूसरे फ्रूट्स के या फ्लावर्स के पौधे लगाए हुए हों। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि हम जो भी बोरे होते हैं उनका इस्तेमाल करके ग्रो बैग बना सकते हैं। इसके कई फ़ायदे होते हैं। पहला ये कि ये काफ़ी हल्का होता है, दूसरा ये कि ये काफ़ी इजीली ये प्रोवाइड भी हो जाता है, और तीसरा कि इसमें पैसे भी नहीं लगते हैं। मैंने ये मंगवाया था, एक जगह काम हो रहा था तो वहाँ से मैंने इसे मंगवाया है। बोरे के उस हिस्से की तरफ जहाँ से ये बंद होता है, यहाँ पर मैं इस तरह से मुड़कर इसे टाइटली बांध दूँगी, और मैंने यहाँ पर बांध दिया है, आप देख सकते हैं। और अब इस बोरे के बंधे हुए पार्ट को मैं अंदर की ओर मूव करूँगी, यानी कि इस बोरे को पलट दूँगी। पलटने के बाद कुछ इस तरह से बन गया है, ये राउंड शेप में बन गया है, और ये काफ़ी स्टेबल भी है। और चूँकि ये बोरा थोड़ा बड़ा है, तो इसके ऊपर के पार्ट को मैं थोड़ा अंदर की ओर मोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से सही हो सके और अच्छा भी लगे देखने में। तो इस तरीके से मैंने बोरे को थोड़ा मोड़ दिया है, और ये ग्रो बैग बनकर तैयार हो चुका है। अब इस ग्रो बैग में मैं फील करूँगी उन सारे चीज़ों को जिन्हें मैंने वेस्ट रखा है, यानी कि मेरे गार्डन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली हैं जैसे कि ब्रांचेस हैं, लीफ हैं, तो उन्हें मैंने इकट्ठा करके रख दिया था। और बारिश होनी शुरू हो गई थी तो बाहर में रखी हुई थी ये वो सारी वेस्टेज, तो वो सारे वेस्टेज थोड़े गीले हो गए हैं और कुछ इस तरह से हो गए हैं, और डिकम्पोज भी थोड़े से हो गए हैं। तो इन सभी वेस्ट को मैं इस ग्रो बैग में सबसे पहले रखूँगी, और ग्रो बैग को नीचे से जो बॉटम पार्ट होता है उससे हमें थोड़ा सा होल भी बना देना है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन आउट हो सके। जितने भी वेस्ट थे मैंने इसमें डाल दिए हैं, ये गीले वेस्ट थे, और जब मैंने गार्डन से सारे ब्रांचेस पत्तियों को निकाला था तो बारिश के पानी की वजह से ये गीले हो चुके हैं, थोड़े से डिकम्पोज भी हो गए हैं। तो इन्हें भरने के बाद अब मैं किचन वेस्ट जो है उसे मैं इस बोरे में भरूंगी। और अब मैं सबसे पहले सूखा जो छिलका है मक्के का उसे मैं दे दूंगी, और अगर सूखा नहीं भी रहता तो जो भी किचन वेस्ट है मैंने जमा किया है उसे मैं इस ग्रो बैग में डाल देती। तो अभी मेरे पास सूखा है ये मक्के का छिलका, तो इसे मैं डालने के बाद किचन वेस्ट जो है जिसे मैंने जमा किया है उसे भी इसमें मैं डाल दूँगी। किचन वेस्ट काफ़ी जमा हो जाता है हम सबके घरों में, तो उन्हें फेंकने के बजाय जब हम इसे ग्रो बैग में इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा खाद बनकर तैयार भी हो जाता है, अलग से हमें खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और ये डिकम्पोज भी होता है और हमारे पौधे को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। इस तरह से जब आप अपने ग्रो बैग को भरते हैं, वेस्ट मटेरियल से भरते हैं, तो आपको ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी ऊपर के लेयर में इस्तेमाल करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने जो किचन वेस्ट को जमा करके रखा था उसे मैंने इस ग्रो बैग में डाल दिया है, और इसे अच्छी तरीके से मैं इसे दबा भी दूंगी ताकि ये पूरी तरीके से नीचे बैठ जाए। और इसमें अंडे के छिलके का भी मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है जो हमारे पौधों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और इस तरह से जब आप किचन वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स पौधों को प्रोवाइड भी करता है। और इसे मैंने इस तरह से कुछ दबा दिया है और ये काफ़ी हद तक नीचे बैठ चुका है, और अब मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी। मिट्टी मैं थोड़ा सा जो
पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ और जब मैं उसमें से हार्वेस्ट कर लेती हूँ तो मिट्टी मैं जमा करके रख देती हूँ। और कुछ मिट्टी मैंने पहले से ही रखा हुआ था, गर्मी के मौसम में लगभग गार्डनिंग मैंने रोक दी थी तो उस वक्त की जो मिट्टी है ये कुछ इस तरीके से रखी हुई है। इसमें घास भी उगाई है तो इस घास को हटाने के बाद मिट्टी को मैं ले लूँगी। और ये जो ग्रो बैग है ये करीब 1.5 साल से मैं इसमें सब्ज़ी हार्वेस्ट कर रही थी, सब्जियों को मैंने लगाया था, अब ये ख़राब हो चुका है तो इसमें से जो मिट्टी है मैं इसे लेकर ग्रो बैग में डाल दूँगी और इस तरह से मेरा ग्रो बैग भर जाएगा। और बहुत ही कम मिट्टी में मैं ग्रो बैग को भरती भी हूँ। तो इस तरह से जो ये मिट्टी है उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने ग्रो बैग को भर भी दिया है। अब इस ग्रो बैग में मैं दूसरी सब्जियों को लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने कुछ ही मिनटों में ग्रो बैग भी बना लिया और इसमें कम मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए ग्रो बैग को भर भी दिया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।